अरे स्टार्ट हो गई थी। अरे तो पता ही नहीं था, मैं बताया था। अरे नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने स्टडी वे स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है सिलेक्शन अड्डा। और मैं अशोक राठौर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। फटाफट एक बार आप सभी लोग लाइव आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज़्यादातर लोगों तक इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ पाएँ। देखिए, जैसा कि दो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों को आपको बताया था, समझाया था, तो पहले हम शुरुआत में उन्हीं सभी चीज़ों पर एक बार फिर से बात करते हैं और फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जो हमारा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है सिलेक्शन अड्डा। ये विशेषकर हमने उन विद्यार्थियों के लिए तैयार कराया है जो लोग डायरेक्टली किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी ऑफलाइन क्लास के माध्यम से कोई कोर्स परचेस नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके सामने कोई फैमिली का इशू है या कोई इकोनॉमिकल इशू है, तो वो लोग जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट माध्यम से इस चैनल से बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। सभी प्रकार के नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, टीचर से आपकी कनेक्टिविटी वो हो पाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट का आंसर हम लोग जो है जैसे ही देखेंगे वैसे ही देंगे। और आप लोगों को कोई भी बात करनी है उसके लिए भी हमारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप लोग परेशान ना हो और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपके लिए ना हो, इस वजह से हम प्रयास करते रहेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल जो है डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। और बहुत जल्द अगले वीक से हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, वो भी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हालांकि इस वीक से हम लोगों ने अपना जीएस का पोर्शन स्टार्ट किया है, और जीएस में मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, और पॉलिटी में मैंने आपको दो टॉपिक जो है, दो लेक्चर मैंने करा दिए, जिसमें मैंने संविधान के परिचय के बारे में बताया कि संविधान क्या होता है, संविधान मुख्यतः विशेषताएं संविधान की क्या है और संविधान की उत्पत्ति क्या है, हम इस पर दो टॉपिक में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो जरूर देख लें, उन लोगों के उन सभी वीडियो की लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां पर जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। हालांकि अगर आज से भी आप पढ़ेंगे, आज से वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फ्रेश वीडियो ही स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझने में कोई समस्या वगैरह ना आ पाए, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको दो लेक्चर में, बहुत जल्दी से 5 मिनट में रिवीजन के लिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पीछे जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं पहले तो संविधान के बारे में। तो मैं एक लाइन में अगर बात करूं संविधान होता क्या है, तो हमने आपको बताया था कि संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। अगर संविधान शब्द का आप संधि विच्छेद करें, ठीक है, तो संविधान शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, ठीक है। बहुत जल्दी से मैं एक बार ये चीजें समझा रहा हूं, ठीक। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून, ठीक है। तो ऐसा कानून, ऐसा विधान, ठीक, या ऐसे नियम जो सभी नागरिकों के लिए, यानी सभी नागरिकों के लिए समान रूप से दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संविधान, ठीक है। और संविधान मुख्यतः भारत के आधार पर अगर देखेंगे, तो अभी ये टॉपिक आपका शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ संविधान के बारे में बताया। आप किसी भी देश के संविधान को पढ़िए, प्रत्येक देश के संविधान में सभी नागरिकों को क्या दिए जाते हैं, अधिकार। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो संविधान शब्द है, संविधान तो हिंदी का शब्द है, लेकिन संविधान शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, मैंने आपको बताया था कि संविधान शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा, जिसे हम यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा कहते हैं, और यूनानी, लैटिन या ग्रीक ये सब एक ही नाम है, इन भाषाओं में इसे पर्टिकुलर एक शब्द से जानते हैं जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूरे। क्या वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूरे। तो कॉन्स्टिट्यूरे वर्ड है, शब्द है, जो मूल शब्द है संविधान का, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया और इसे हमने कहा संविधान, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, मैंने बताया था कि संविधान भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मौखिक संविधान और एक होते हैं लिखित संविधान। तो जो दुनिया के पुराने देश थे जिनका संविधान पुराना है, जिनका जिन्होंने स्वतंत्रता पहले समय में मिली, क्योंकि देखो, प्राचीन और आधुनिक को समझने के लिए, या प्राचीन या लिखित को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि देखिए, दुनिया के जितने भी देश थे, दुनिया के जितने भी देश हैं या पहले के देश थे, उन सभी देशों में पहले प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, प्रजातंत्र नहीं था, पहले राजातंत्र था, राजा का शासन होता था, और राजा के शासन में जो राजा की नियमावली होती थी वो मौखिक रूप से होती थी। तो ऐसी कंडीशन में जब राजा के समय में
पीरियड टाइम हुआ होगा, ठीक है, तो उस समय ज्यादातर देश या ज्यादातर जो सल्तनतें पहले थी, रियासतें पहले थी, वो अपने यहां मौखिक संविधान को अपनाती थी, मौखिक नियमों को अपनाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, स्वतंत्रता के लिए प्रयास हुए और नई रियासतें राजाओं के शासन से स्वतंत्र हुई, वहां प्रजातंत्र लागू हुआ और उसके बाद से ज्यादातर देशों ने अपने अपने देशों के संविधानों का निर्माण लिखित रूप में कर दिया। ठीक है, तो अभी दुनिया के ज्यादातर देशों का संविधान कैसा है? लिखित है। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनका पहले विकास हुआ, पहले डेवलपमेंट हुआ, उनका संविधान कैसा है? मौखिक। जैसे मैंने बताया था कि इंग्लैंड को संविधान की जननी कहते हैं और इंग्लैंड ही वो देश है जिसने दुनिया में सबसे पहली बार संविधान लागू किया और इंग्लैंड का ज्यादातर संविधान मौखिक है। और इसके अलावा मैंने बताया था इंग्लैंड के अलावा इजराइल नाम का एक देश है जिसका संविधान भी मौखिक है। नहीं तो दुनिया के ज्यादातर देश लिखित संविधान पर यकीन रखते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको कल के लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आपको विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप पीछे वाले लेक्चर के बारे में देख लीजिए। इसके साथ ही मैंने कल एक पॉइंट और बताया था कि संविधान की, भारतीय संविधान की यानी हमारे देश के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, और हमने वो केवल भारत के देश की संविधान की विशेषताएं नहीं बताई, उसमें हम किसी भी देश के संविधान की बात कर लें, उन सभी देशों के संविधानों में यही विशेषताएं होंगी, सिर्फ दो चार को छोड़कर। जैसे समानता हर देश के संविधान की विशेषता है, स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, एकल नागरिकता यानी एक प्रकार की नागरिकता का अधिकार, हालांकि ये जो नागरिकता का अधिकार है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे कुछ देश एकल नागरिकता देते हैं, कुछ लोग दोहरी भी नागरिकता देते हैं, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो विशेषताओं के बारे में भी हमने कल बेहतर तरीके समझाया था आपको, तो आप वो भी लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है। और अभी जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण। तो चलिए इसे फटाफट एक बार आ जाइए और सबसे पहले बताइए क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की आज से। तो प्रश्न आता है सबसे पहला कि संविधान का निर्माण हुआ कैसे, या संविधान का निर्माण कहां से प्रारंभ हुआ, निर्माण। और निर्माण को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि संविधान के निर्माण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, आखिर क्या जरूरत थी कि हमें अपने संविधान को बनाना पड़ा। ठीक है, तो देखिए समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए देखिए, हम सभी लोग जानते थे कि आज नहीं तो कल हम लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगी, आज नहीं तो कल हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाएंगे। देखिए आपने इतिहास में पढ़ा होगा, क्योंकि जहां से इतिहास समाप्त होता है वहीं से संविधान शुरू होता है। आपने पढ़ा होगा कि भारत का पहला मुख्य स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1857। 1857 की क्रांति भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। और ज्यादातर अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती, या ज्यादातर हमारे क्रांतिकारी उस क्रांति को सफल कर लेते, तो अंग्रेज शायद 90 साल पहले ही हमारा देश छोड़ जाते और 90 साल पहले हम स्वतंत्र हो जाते। लेकिन आप लोगों को पता था कि 1857 की क्रांति में जो विद्रोह की डेट, जो स्वतंत्रता की डेट, जो आंदोलन की डेट हमने बनाकर रखी थी, उससे पहले ही मेरठ में सबसे पहले आंदोलन शुरू हो गए। मंगल पांडे ने मुख्यतः कई सारे कानूनों को अंजाम दिया, या मंगल पांडे ने कई सारे नियमों को अंजाम दिया, जिसके कारण से विद्रोह समय से पहले हो गया। और ये अलग अलग समय में अलग अलग डेटों में इसको निर्धारित किया गया था कि बरेली में इसकी टाइमिंग अलग थी, लखनऊ में अलग थी, फैजाबाद में अलग थी, अयोध्या में अलग थी, ठीक है, या फिर झांसी में अलग थी और मेरठ में अलग थी। तो वैसे ही मेरठ में ये क्रांति समय से पहले हो गई, जिसके कारण अंग्रेज सजग हो गए और उन्होंने वो सभी आंदोलन, जो सभी योजनाएं क्रांतिकारियों द्वारा बनाई गई थी, उनको दबा दिया। इसका मतलब 1857 में जो आजादी का प्लान था वो पूरी तरीके से हमारा विफल हुआ। इसके बाद ये परिणाम हुआ कि हम सब लोग देखिए इतिहास का पॉइंट है, मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको कहानी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस बात से हमने ये सीख ली कि अगर हम एक यूनिटी में काम नहीं करेंगे, अगर हम एकता में काम नहीं करेंगे, तो हम अंग्रेजों से इतनी आसानी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे और ना ही हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो पाएंगे। जब हम अंग्रेजों से स्वतंत्र ही नहीं हो पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हम अपने नियम कैसे बना लें? भाई पहले तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी, नियम तो देश के लिए बाद में बनाने थे, जो नियम बनाने थे उन्हीं को तो संविधान कहा गया है। तो यहां पॉइंट समझिएगा क्या, कि पहले देश को स्वतंत्र कराना प्राथमिकता थी, ना कि संविधान बनाना। लेकिन 1857 की क्रांति में जो मुख्यतः क्रांति जो हुई वो पूरी तरीके से असफल रही, हालांकि कुछ चीजें हमें इसको इसमें सीखने को मिली। तो समस्या ये आई कि सभी जो क्रांतिकारी दल थे उन सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन में इसलिए विफल हुए क्योंकि इसमें एक व्यक्ति, एक संगठन ऐसा नहीं था जो सारे लोगों को नियंत्रित करता, जिसमें गर्म दल के लोग थे, नरम दल के लोग थे, अलग प्रकार के लोग थे, मतलब ऐसा कोई एक व्यक्ति हो, ऐसा एक बुजुर्ग हो, ऐसा एक संगठन हो जिस संगठन की बात हर कोई बात माने। ठीक है, और इसी के संदर्भ में अंग्रेजों
को हराने के लिए या अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत के संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले एक संगठन की आवश्यकता थी, और वो संगठन बना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज की डेट में भारत की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, और एक अंग्रेज अधिकारी, ये नाम का ही अंग्रेज अधिकारी था लेकिन ये भारत की मदद कर रहा था, इस अंग्रेज अधिकारी का नाम था मुख्यतः ए ओ ह्यूम, डॉक्टर ए ओ ह्यूम नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। लेकिन ये उस समय 1885 में पार्टी नहीं थी, 1885 में एक ये संगठन था, और इस संगठन में एक मुख्य व्यक्ति था, और उस मुख्य व्यक्ति के आधार पर यह निर्णय होना था कि हमें अंग्रेजों से लड़ना कैसे। इसके लिए नियम बनाया गया कि सभी जो प्रमुख लोग हैं, जो संगठन के सदस्य होंगे, जो प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनकारी नेता होंगे, वो सभी लोग हर साल एक नए वेन्यू पर, एक नए शहर में हर साल एक मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, और उस बैठक में एक अधिवेशन होगा, और अधिवेशन की अध्यक्षता हर व्यक्ति को की जाएगी। जैसे एक साल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक करेंगे, एक साल सुभाष चंद्र बोस करेंगे, एक साल महात्मा गांधी करेंगे। तो 1885 से कांग्रेस संगठन ने हर साल एक अधिवेशन किया, और अधिवेशन हर नए शहर में किया, और हर अधिवेशन में एक नया अध्यक्ष बनाया, जिसमें ब्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में हुए पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर एक साल तक उन्हीं के नेतृत्व में पूरी प्लानिंग की जाएगी कि हमें कैसे कैसे अंग्रेजों को भगाना है और कैसे कैसे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने हैं। ये सारी बात 1885 की है। देखिए, एक चीज मैं और बता दूं, जो कहानी मैं सुना रहा हूं आपको, ये कहानी दरअसल में पॉलिटी की कम है, हिस्ट्री की ज्यादा। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि संविधान निर्माण की शुरुआत ही यहीं से मानी गई है। ठीक है, तो इसको बेहतर तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा कि 1885 के कॉन्सेप्ट से ही भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रियाएं शुरू हुई, और जब स्वतंत्रता आंदोलन सक्रिय होगी उसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रियाएं तेज हुई। ठीक है, तो 1885 में ये संगठन बना, मैंने कहा पार्टी नहीं थी, हालांकि उसके बाद इसको लोगों ने पार्टी कहना शुरू कर दिया, और जब हम आजाद हुए तो 1885 के बाद, यानी जब 1947 में हम आजाद हुए, 1885 तक में तो संगठन था, लेकिन 1947 में एक लोकतांत्रिक पार्टी बन गई जिसके प्रमुख व्यक्ति बने मुख्यतः पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं। ठीक है, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब समस्या ये आई कि देश की आजादी तो चलती रहेगी भाई, आजादी मान के चलिए आज 10 साल बाद मिल गई, 20 साल बाद मिल गई, तो एक साथ क्या स्वतंत्र होने के बाद हम अपने देश का नया संविधान अपने अनुसार बना सकते हैं? क्योंकि अगर हम संविधान पुराना वाला ले लेंगे, अंग्रेजों वाला ले लेंगे, किसी से मांग के ले लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो संविधान हमारे देश के लोगों के लिए न्याय कर पाएगा? क्या वो संविधान समानता की भावना को पैदा करेगा? तो इसलिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की राय थी कि आजादी तो मिलती रहेगी, लेकिन आजादी मिलने से पहले ही हम अपने संविधान बनाने पर भी एक बार क्या कर लें, विचार विमर्श कर लें। ठीक है, ये सारा काम 1885 के बाद हुआ। ठीक है, इस बात को समझिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होती थी। ठीक है, और उस बैठक में ये निर्णय लिए जाते थे अलग अलग प्रकार के, लेकिन हम इस बैठक में केवल संविधान वाले पॉइंट ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कहानी हम लोग इतिहास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि आवश्यकता के तौर पर सबसे पहले एक विधेयक रखा गया था जिसे कहते हैं स्वराज्य विधेयक। क्या नाम था? स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक रखा गया था 1895 ईस्वी में, और इस स्वराज्य विधेयक को रखा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस संगठन ने 1895 में एक अधिवेशन किया, और इस अधिवेशन में एक विधेयक रखा, अधिवेशन, ठीक, विधेयक का मतलब प्रस्ताव रखा। ठीक है, क्या प्रस्ताव रखा? कि भैया भारत का संविधान होना चाहिए, यानी भारत का संविधान बनना चाहिए, जिसकी बात सबसे पहले किसने करी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जिनकी बात को सभी लोगों ने, या संविधान सभा में, या संविधान के पक्षधर जितने लोग थे उन सभी ने इस बात को माना कि भारत का संविधान होना चाहिए। तो प्रश्न आता है कि कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा या भारतीयों द्वारा, ठीक है, भारतीयों द्वारा सबसे पहले संविधान बनाने के लिए स्वराज विधेयक की पेशकश की गई, स्वराज विधेयक रखा गया? तो वो डेट है 1895 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न आपसे आता है कि भारत में क्या इससे पहले,
यानी भारत में 1895 से पहले क्या संविधान बनाने की मांग हुई कभी, या फिर संविधान निर्माण प्रक्रिया की मांग हुई? ठीक है, तो भारतीयों द्वारा तो नहीं हुई इसमें, ठीक है, ये व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं भारतीयों द्वारा नहीं हुई। तो ये यहां पर एक पॉइंट और जोड़ लेंगे कि प्रथम भारतीय यानी प्रथम भारतीय द्वारा, प्रथम भारतीयों द्वारा, मतलब ये कंफर्म है कि पहले भारतीय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1895 में संविधान बनाने की या संविधान अलग से होने की मांग करी, ठीक है। लेकिन 1600 में, 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने जब भारत में शासन स्थापित किया, तो अंग्रेजों ने सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। आपने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब खोली थी, ठीक है ना, तो भारत में उस समय अकबर का शासन था, अकबर का शासन, ठीक है, यानी मुगल सल्तनत थी भारत में और अकबर का शासन था। और 1600 में जब ईस्ट इंडिया खुल गई, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक भारत के लिए कानून बना कर दिया, और जो कलकत्ता में थी, और इस कानून को ही क्या कहा जाता है, संविधान। कानून को ही क्या कहा जाता है, संविधान। तो एक प्रश्न याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले संविधान निर्माण प्रक्रिया कब से मानी गई है, या भारत में सबसे पहले संविधान निर्माण प्रक्रिया कब से शुरू की गई है, किसी भारतीय गैर भारतीय की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप डेट रखिएगा, अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा मानी गई, अंग्रेजों ने, किसके द्वारा बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई, वो संविधान का नाम भी मान सकते हैं, किसके लिए बनाई, संविधान की प्रक्रिया के लिए, कब बनाई, 1600 में, और उस समय भारत पर मुगलों का शासन था, और मुगलों के शासक थे उस समय सुल्तान थे जिनका नाम था अकबर। क्या नाम था, अकबर। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये भारतीयों द्वारा नहीं बनाया गया, ये विदेशियों द्वारा बनाया गया। लेकिन कभी पूछा जाए भारतीयों द्वारा, पर्टिकुलर भारतीयों द्वारा विशेषकर सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब और कैसे की गई, तो आपको बताना है कि 1895 में सबसे पहले संविधान सभा द्वारा, मुख्यतः संविधान सभा में, संविधान सभा के सदस्य जिनका नाम है मुख्यतः लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव का नाम था स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य का मतलब होता है स्व का मतलब स्वयं, राज्य का मतलब हिस्सा, यानी अपने देश को आजाद कराना। और उस अपने देश को आजाद कराने में इन्होंने ये कहा कि आजाद तो होना ही होना है, साथ में हमें अपने देश की आजादी के साथ, अपने देश की आजादी के साथ, अपने देश के लिए संविधान बनाने के लिए भी नियम बनाने होंगे। इसी को क्या कहा गया, स्वराज्य विधेयक। तो संविधान निर्माण के लिए सबसे पहला विधेयक किसके द्वारा, कानून, प्रस्ताव, विधेयक पेश किया गया भारतीयों में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये पॉइंट आप लोगों को बहुत बढ़िया से याद कर लेना है, तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो पूछ लीजिए, फिर हम चलते हैं थोड़ा आगे। चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम एक बार हेडिंग डालते हैं फिर से, भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हमारा काम चल रहा है भारत का, भारत के संविधान, भारत के संविधान का निर्माण। हेडिंग इसलिए बार बार डाल लें जिससे ये पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी बीच में वीडियो को देखते हैं तो उन्हें शुरुआत से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हेडिंग इसलिए डाल लें जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि 1895 में सबसे पहले, 1895 में किसकी मांग हुई, संविधान निर्माण की। इसकी मांग हुई संविधान निर्माण की, किसने की, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। कब की, 1895 में, और कहां की, संविधान सभा के अधिवेशन में, संविधान सभा अधिवेशन, संविधान सभा अधिवेशन। ठीक है, और क्या कहा, क्या कहा, संविधान निर्माण होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जिसका नाम था स्वराज्य, स्वराज्य विधेयक या स्वराज्य प्रस्ताव, ये बात मैं बता चुका हूं। ठीक, इसके बाद 1922 में या 1922 ईस्वी में, ठीक, अब आगे लोगों ने भी कहा 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा महात्मा गांधी ने,
कि संविधान का संविधान निर्माण होना चाहिए। इन्होंने भी कहा संविधान निर्माण होना चाहिए, मतलब ये भी पक्षधर थे किसके, संविधान निर्माण के, ठीक है। और ये संविधान जो निर्माण की पूरी कार्यक्रम था, ठीक है, तो ये संविधान निर्माण हो कहां रहा था, तो यहां याद रखेंगे संविधान निर्माण हो रहा था संविधान सभा में। और संविधान सभा एक ऐसी जगह थी जहां सभी बैठकर आपस में सभी ये काम करते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को बढ़िया से समझ लेने, ठीक है। तो 1922 में इसके लिए भी कार्यक्रम तैयार हुए, ठीक है। तो 1922 में महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया, ठीक है। 1928 में क्या हुआ, एक डेट और है, 1928 में सर्वसम्मति से, अब सर्वसम्मति किसकी थी, सभी दलों की, सर्वसम्मति से सभी दल, अब उसमें मेन दल तो कांग्रेस था और छोटे छोटे और भी दल थे, सभी दल की बैठक बुलाई गई, और इसमें बैठक बुलाई गई और बैठक बुलाई थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित मोतीलाल नेहरू ने बैठक बुलाई, और इस बैठक में प्रस्ताव रखा गया क्या कि संविधान बनाओ तो बनाओ, संविधान जब बनाओ कोई दिक्कत नहीं, संविधान जैसे बनाओ वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संविधान तो बना रहे हो, लेकिन संविधान का प्रारूप कैसा हो, संविधान कैसे बनाओगे, संविधान बनाने में हमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, प्रारूप का मतलब इसका प्रोस्पेक्टर क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या चीजें होनी चाहिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें किसका पहले संविधान बनाने से पहले क्या करना चाहिए, प्रारूप तैयार करना चाहिए। क्या कहा, तैयार करना चाहिए, प्रारूप तैयार करना चाहिए। प्रारूप तैयार करने से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। जैसे टीचर को ये पता होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो टॉपिक में पहले क्या पढ़ाएंगे, बाद में क्या पढ़ाएंगे, पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्या नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्या है या कम इंपॉर्टेंट क्या है, उसी हिसाब से। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि प्रारूप जरूर होना चाहिए, उसी के आधार पर होगा, और इसके लिए इन्होंने बाकायदा मीटिंग बुलाई थी 1928 में, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए, तीन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है, 1934 में ही एक नेता थे जिनका नाम वामपंथी, ये अलग विचारधारा के नेता थे, वामपंथी नेता थे जिन्होंने भी इस बात की मांग करी। क्या मांग करी, कि भारत में संविधान सभा का गठन हो, ठीक है। इन्होंने कहा कि संविधान तो तभी बनेगा जब संविधान सभा का गठन हो, ठीक है। तो वामपंथी नेता थे, इनका मानना था संविधान सभा का गठन हो, जब तक संविधान की सभा ही नहीं होगी कोई परमानेंट, अभी तो सब अभी सिर्फ कहानी चल रही है, संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन। जब संविधान सभा का गठन होगा, ठीक, तभी तो संविधान निर्माण होगा, जब तक संविधान का ही गठन नहीं होगा संविधान का निर्माण हो, ठीक है ना। जब तक संविधान सभा का गठन नहीं होगा तब तक संविधान कैसे बन सकता है। तो इसलिए इन्होंने, वामपंथी नेता थे जिन्होंने संविधान सभा बनाने पर बात की, इन्होंने कहा संविधान बाद में बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओ, सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। संविधान सभा का मतलब इसमें कौन कौन हो, कौन मुख्य हो, कौन लोग अन्य हो, कौन इसके अध्यक्ष हो, कितनी समितियां हो, कितने पदाधिकारी हो, इन सब के बारे में, ठीक है। और ये वामपंथी नेता थे, इनका नाम भी आपसे पूछ सकता है, ये वामपंथी नेता थे जिनका नाम है डॉक्टर एम एन राय, इनका नाम था डॉक्टर एम एन राय, इनका नाम याद कर लीजिए, पूछ सकता है। डॉक्टर एम एन राय ने ये बात 1934 में कही, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण, ठीक है। तो अब 1934 में मैंने आपको एम एन राय की बात बताई थी अभी, ठीक।
नाम था डॉक्टर एम एन राय, ठीक। और ये थे आपके कौन, वामपंथी नेता, वामपंथी नेता, ठीक। और इन्होंने किसकी बात करी, इन्होंने कहा कि संविधान सभा का निर्माण, और संविधान सभा का निर्माण हो, इन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने कहा संविधान निर्माण, संविधान सभा ही नहीं होगी तो संविधान कहां से बनेगा। और इसके लिए इन्होंने विचार प्रस्तुत किया था, अपना अपना विचार वहां दिया कि संविधान सभा जरूर होने चाहिए, ठीक है। अब इसी डेट में यानी 1934 में ही, 1934 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि अभी तक जवाहरलाल नेहरू का कोई पॉइंट नहीं आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही बात की। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कही, ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत की संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संविधान सभा या संविधान सभा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक संविधान सभा नहीं होगी तब तक संविधान के लोगों द्वारा संविधान का निर्माण होगा कैसे। इसी बात को दोहराया किसने, पंडित नेहरू ने, जो पीछे डॉक्टर एम एन राय ने दोहराया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो इन्होंने भी संविधान सभा होनी चाहिए या हम कह सकते हैं संविधान सभा के गठन की मांग करी, ठीक। तो इन्होंने गठन के बारे में कहा कि भाई संविधान सभा का गठन हो, उन्होंने विचार दिया, इन्होंने गठन की मांग करी, लगभग वही है 1934 में, ठीक है। अब 1935 में, अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935, सब डेट का काम है, देखिए इस पूरा डेट का काम है यहां। अब 1935 वो समय था जब आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से संविधान बनाने की मांग की गई। आधिकारिक रूप का मतलब नियम के आधार पर सबने मिलकर यह कहा, ज्यादातर लोगों ने जो संविधान सभा के सदस्य थे 1935 में सबने कहा, आधिकारिक रूप से सबने साइन किए, सबने प्रस्ताव किया और कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए और संविधान का निर्माण भी होना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट कौन सी डेट का है, 1935 का। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, और इसमें विशेषकर जो मांग करी, अगर आप लिख सकते तो आप ऐसा भी कह सकते हो, कुछ विशेषकर जो मांग करी थी, क्योंकि इस समय एक ही दल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अब आते हैं 1935 में। अब 1935 ईस्वी में ही एक काम और हुआ था, क्या हुआ था, 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया, ठीक है। मतलब अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए एक संविधान बनाकर दिया, बोले आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप संविधान मत बनाओ, हम ही संविधान बना देंगे। और ये जो संविधान था वो एक्ट के रूप में था, ये संविधान किसके रूप में था, एक्ट के रूप में, और एक्ट को हिंदी में कहते हैं अधिनियम, ठीक। और इस एक्ट का नाम था भारत शासन अधिनियम। मैंने आपको कल बताया था कि अधिनियम क्या होते हैं, एक प्रकार से विशेष कानून। तो भारत शासन अधिनियम, जितने भी अधिनियम होते हैं उनके आगे आपकी डेट लगी होती है, ठीक है। तो नाम क्या था अधिनियम का, भारत शासन अधिनियम 1935। बोले आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा परेशान ना हो, हम आपके लिए एक कानून बना देंगे और इस कानून को आप अपना लीजिए और अपने देश का संविधान बना लीजिए। ये जो कानून है ना वो आपके लिए संविधान है, ठीक है। लेकिन क्या किया, जो भारतीय थे, तो यहां लिखे भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया, भारतीयों ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, याद रखिएगा, ठीक। अब भारतीय भी जान चुके हैं, अंग्रेज ऐसा क्यों चाहते थे, अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि भाई देखो ऐसा है
कि स्वतंत्रता तो इन्हें हम दे देंगे, स्वतंत्रता के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्रता ले लीजिए, लेकिन स्वतंत्रता लेने के लिए आपको अपने देश का संविधान भी तो बनाना चाहिए। आप अभी तक संविधान ही नहीं बना पा रहे हैं। जब तक आप संविधान नहीं बनाएंगे तब तक हम आपको आपके देश को किस हिसाब से स्वतंत्र करें, ठीक है। अब इन्होंने कहा अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो ऐसा करो, हम आपकी मदद कर दे रहे हैं, आप हमारे बना हुआ या हमने आपके लिए जो संविधान बनाया है आप इसको ही, ठीक है, अपना लो, और हमारा पुराना नहीं है। आपको ये डाउट हो रहा हो कि ये हमारा पुराना है या हमने पहले बनाया था, ये हमने आपके लिए ही बनाया है स्पेशली, ठीक है, 1935 में। आप इसे अपना लो, इससे आपकी समस्या भी कम हो जाएगी, मेरी समस्या भी कम हो जाएगी। भारतीय लोग ये चाहते ही थे कि इन्होंने इतने साल तो शासन किया और इनके द्वारा बना हुआ ही संविधान अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे तो हम रियल में तो आजाद हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन जमीनी स्थिति पर व्यवहारिक रूप से हम जीवन में कभी नहीं आजाद होंगे, क्योंकि ज्यादातर कानून अंग्रेजों द्वारा बने होंगे तो वो अंग्रेजों के हिसाब से बने होंगे, जिसमें भारतीयों का शोषण आजीवन होता जाएगा। इसलिए भारतीयों ने साफ साफ कह दिया कि हम आपके द्वारा बनाए गए भारत शासन अधिनियम 1935 को नहीं अपना सकते, और इन्होंने इसे वापस लौटा दिया, ठीक है। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ लेनी है, जो बात मैंने आपको बताई। तो एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, 1934 में सबसे पहले डॉक्टर एम एल राय नाम के एक वामपंथी नेता थे जिन्होंने संविधान सभा के निर्माण की मांग की, और इन्होंने संविधान निर्माण यानी संविधान सभा के निर्माण, इन्होंने संविधान सभा के बनाने की मांग की। इन्होंने कहा पहले संविधान सभा बनाइए, और इसके लिए अपना एक विचार भी प्रस्तुत किया, संविधान सभा के सामने रखा। उसके बाद उसी डेट में 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की भी मांग की। इन्होंने कहा कि विचार देने से कुछ नहीं काम होगा, हमें संविधान का निर्माण जमीनी स्थिति पर करना पड़ेगा, और संविधान सभा का गठन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक संविधान सभा ही नहीं बनेगी तब तक संविधान कैसे बन सकता है। जैसे एक बच्चे को जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले स्कूल में बैठने के लिए बिल्डिंग हो, जब बिल्डिंग ही नहीं होगी तो स्कूल में बच्चा पढ़ेगा कहाँ, ठीक है। तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग संविधान सभा है, और बच्चा कौन है, संविधान, ठीक है। 1935 में मैंने आपको बताया था अंग्रेजों ने, यानी 1935 में भारतीय जो थे, और भारतीयों में वैसे तो कई सारे दल थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें से सबसे मेन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्होंने आधिकारिक रूप ने सबने प्रस्ताव पर साइन किए, सब एक बात पर सहमत हुए कि हमें हर हालत में अंग्रेजों से अपना संविधान बनाना है, और संविधान बनाने के लिए हमें सारे प्रयास करने होंगे। तो आधिकारिक रूप से, वास्तविक रूप से, लिखित रूप से संविधान बनाने की मांग की गई 1935 में, उससे पहले नहीं की गई थी, उससे पहले सब कोरी बातें थी, ठीक है, 35 तक। और 35 में ही अंग्रेजों ने हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, एक अधिनियम बनाया जिसे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935, और कह दिया कि ये आपके लिए बनाया गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, आप इसके आधार पर अपने यहाँ संविधान बना लीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। संविधान का निर्माण, ठीक। अब अंग्रेज ये बात समझ चुके थे कि भारतीय अपना संविधान बनाने में असमर्थ हैं, और ये हमारा संविधान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तरीके से ये अपना संविधान ही बनाएंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने 1940 ईस्वी में एक प्रस्ताव हुआ था जिसे कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें बहुत सारे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं आपको इतिहास में बताऊंगा, अभी ज्यादा समय नहीं हमारे पास। इसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त में आया था, इसलिए इसे क्रिप्स प्रस्ताव इसलिए कहते हैं, क्रिप्स द्वारा लाया गया था, और अगस्त प्रस्ताव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगस्त में आया था। तो इस प्रस्ताव के आधार पर इस डेट में अंग्रेजों ने भारतीयों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। मतलब ये अंग्रेजों ने ये बात कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो अपना अलग बना सकते हो, मान्यता दी। यानी इससे पहले अंग्रेज ये तो कहते थे कि आप अपना संविधान बना लीजिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये लिखित में कभी हमें जानकारी नहीं दी, लिखित में कोई सूचना नहीं दी, लिखित में कोई अधिकार नहीं दिया कि आप अपना संविधान अपने आप बना लीजिए। 1935 से पहले कहा कि आप बना सकते हो, लेकिन लिखित में हमारे पास पहली बार जानकारी 1940 में आई, जब इस अधिकार को अंग्रेजों ने दे दिया कि आप अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान या भारतीय लोग, भारतीय स्वतंत्रताकारी
भारतीय संविधान बनाने में असमर्थ रहे। उन्होंने कई मीटिंग की, कई समस्याएं आई, ठीक है। तो उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा करो कि आप अगर परमानेंट, अगर आप अपना पूरा या कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते तो आप एक टेम्परेरी बना लो, उस टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हम अपने आपके देश को स्वतंत्र कर देंगे। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। और उन्होंने कहा कि इसके लिए आप अपनी एक टेम्परेरी सभा बनाओ और उस टेम्परेरी सभा को एक कैबिनेट का रूप दे दो और उसी के आधार पर हम आपको क्या कर देंगे, स्वतंत्र, ठीक है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने 1946 ईस्वी में भारतीयों को सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि आप अपना संविधान निर्माण करें, ठीक। चाहे वो संविधान आपका स्थाई संविधान हो, अगर स्थाई बना सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर स्थाई ना बन पा रहा हो तो कैसा हो, अस्थाई, तो आप अस्थाई संविधान भी बना सकते हो, हम अस्थाई संविधान के आधार पर भी हम आपके देश को क्या कर देंगे, स्वतंत्र, ठीक है। ऐसी जानकारी अंग्रेजों ने हमें कब दी, 1946 में, और 1946 में ही अंग्रेजों ने, ठीक है, और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था सर क्लीमेंट एटली, तो क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यीय पैनल गठित किया, 3 सदस्यीय समूह पर तय किया और उन्हें भारत भेजा और उनसे कहा कि आप जाइए भारत में स्थितियों को समझिए और भारत की स्थितियों के आधार पर भारत को स्वतंत्रता प्रदान करिए, ठीक है, और वहां पहले एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन गठित कराइए, उसके आधार पर उन लोगों को स्वतंत्र करिए। और उन 3 लोगों को अंग्रेजों ने भेजा, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस समय थे 1946 में, क्लीमेंट एटली साहब ने भेजा, जिसमें 3 नाम थे, सर स्टेफोर्ड किप्स, ठीक, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और सर एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, जिसमें मुख्य जो अध्यक्ष थे वो क्रिप्स साहब थे और अलेक्जेंडर और लॉर्ड लॉरेंस पेरेंट्स जो थे वो इनके सहयोगी थे। और इन लोगों ने आकर 1946 में एक कैबिनेट सभा का गठन कराया और इस कैबिनेट सभा में कुछ प्रमुख व्यक्ति कांग्रेस के या कुछ अन्य दलों के प्रमुख व्यक्तियों को मिलाया और उन्हें कुछ पद दे दिए, जैसे बोले गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कुछ पद दे दिए और एक टेम्परेरी कैबिनेट तैयार करा दिया। कैबिनेट का मतलब एक तरीके से अस्थाई कार्यवाहक कमेटी बना दी, वो बोले आप ये बना लो, हम इसी के आधार पर आपके देश को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जाकर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने का जो रास्ता था वो क्लियर हो पाया, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी, आज का लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम अपनी आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं और कल 1940 से ही शुरू करेंगे, जिसमें 3 सदस्यों के बारे में बताएंगे। और उस कैबिनेट सभा में जब 1940 का पहला मंत्रिमंडल बना तो उस मंत्रिमंडल में किस व्यक्ति को किस पद के साथ रखा गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर हमारा बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों तक भेजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सिलेक्शन अड्डा, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।